टीवी किलर निकाल दो इसका। चीज देख रहा हूँ ना, ये चीज और ये चीज, ये दोनों में 20 से अलग हो गई थी। और ये हमारा होटल था जहाँ पर हम लोग ने स्टे किया था। चलो चलते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग की डेस्टिनेशन के बीच में एक पेट्रोल पंप मिल गया जहाँ 95 पेट्रोल अवेलेबल था। यहाँ फ्यूलिंग करा दी है और अब हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। चलो तो चलते हैं फिर। सो गाइस, मैं अभी भैया के लिए रुका हूँ। क्यों, मज़ा आया, अच्छा लगा आपको? और कोई रुकता है? अच्छा, भैया को चैनल चाहिए मेरा यूट्यूब का। चलो ले लो आप, कोई नहीं। विनाश भैया एक दूसरे से अलग हो गए थे और मेरी गाड़ी में नेविगेशन नहीं लगा हुआ है क्योंकि मेरे पास मोबाइल माउंट नहीं है और नेविगेशन अविनाश भैया ही चला रहे हैं। सो फाइनली हम लोग मिल गए हैं और काफ़ी टाइम ख़राब हुआ इस ट्रैफिक के चक्कर में। भाई दिमाग ही ख़राब हो जाता है। लेकिन यार वो ट्रैफिक भी अच्छा मिला और रिएक्शन जो रिकॉर्ड हुए हैं यार, सीरियसली मैन, लोग सुपर बाइक को देख के इतना खुश हो रहे थे। चलते हैं, विनाश भैया मेरे पीछे ही हैं। थोड़े से को शाम होने से पहले पहुंचना है क्योंकि मेरी बाइक में लाइट बहुत ही ख़राब है। अविनाश भैया की गाड़ी में बहुत अच्छी लाइट है। अविनाश भैया जाएँ तो बहुत पहले पहुंच सकते हैं, लेकिन अब कहने के साथ में चल रहे हैं तो बाइक साथ में ही जाएंगे। और मेरे साथ इशू है और मेरे को रात में इस बाइक से कुछ भी नहीं दिखता, सच में कुछ भी नहीं दिखता। थोड़ा बहुत दिखता सामने का बस, क्योंकि ये ट्रैक बाइक हैगी ना, इस चक्कर में अगर इसमें लाइट नहीं होती तो इसको इंडिया में RTO उसको बैन कर देता। जैसे S2R में लाइट नहीं है, ऐसी S2R इंडिया में बंद है और S2 लीगल है क्योंकि उसमें सिंगल लाइट है। सो गाइस, ऐसी जगहों पे स्लो कर देना चाहिए और ये लोग ऐसे ही मुड़ जाते हैं। और स्कूल के बच्चे थे यार, जो स्कूल के बच्चे खुश होते हैं ना बाइक देख के यार, भी इस एज में बहुत खुश हुआ करते थे जब कोई बाइक दिखती थी, कार दिखती थी। होता है, एज एज का इफेक्ट है। हमने अभी तक 740 किलोमीटर कवर कर लिया है। लेकिन आप व्यू देख सकते हो यार, मैं यार नज़ारा है यार। एग्रीकल्चर लैंड देखो आप तो बढ़िया। बाइकर्स को पसंद ही क्या है यार, बस व्यू का ही तो काम है यार। एक यूट्यूब पे व्यूज चाहिए और एक रियल लाइफ में व्यूज देखने हैं, बस बाइकर्स का यही तो काम है। टोल प्लाजा आ चुका है और हम लोग ने 750.2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है अभी तक। टोल का बहुत इशू है यार, मीटर वालों के लिए यहाँ से बना हुआ है कि टोल ना देना पड़े और सीधे निकल जाएंगे लोग। लेकिन ये फोर व्हीलर कैसे निकल रही है, ये चीज़ समझ नहीं आई। ये क्या चक्कर है बाबू, ये लड़की का चक्कर है। बाइक का फील तो है यार, ऐसे ही बोलते हैं शेर 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 बोलते हैं ZX9R को। हम लोग अपने डेस्टिनेशन से जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं और आप वादियों को देख सकते हैं यार, क्या ग्रीनरी है यार, फील करो यार, फील यार। बहुत शानदार मौसम हो रहा है, करीब आ रहे हैं उतनी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है और यार ग्रीनरी देख रहा हूँ यार, यही तो है वादियाँ माउंटेन्स के, यही तो मज़े हैं यार। देखो यार क्या व्यू है, डबल साइड ग्रीनरी है। इस तरह पहाड़ों पे तो सिर्फ मज़ा ही मज़ा है यार। पंजाब में ना एक से एक गुरुद्वारे हैं यार, यार जो गुरुद्वारे मैंने देखे ना लाइफ में आज तक, ऐसे गुरुद्वारे नहीं देखे, इतने खूबसूरत खूबसूरत गुरुद्वारे थे। मेरे तो इतना ऐसा लग रहा था कि मैं अंदर जाऊँ, बट क्या करूँ, टाइम का शॉर्टेज है, नहीं तो अदरवाइज़ मैं अंदर जाता यार। मज़ा आ गया गुरुद्वारे देख के यार, बहुत अच्छे थे यार पंजाब में, और बहुत सारे देखे यार। सो गाइस, हम लोग ने एक स्टॉप लिया हुआ है। हमारी डेस्टिनेशन के बीच में एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं बाइकर्स पॉइंट, और यहाँ पर खूब सारे बाइकर्स आते हैं जो भी ट्रैवल कर रहे होते हैं अपनी अपनी डेस्टिनेशन के लिए। तो यहाँ रुकना तो बनता था ना यार, सुपर बाइक लिए हो और आप बाइकर्स पॉइंट पे नहीं आए तो ऐसा हो नहीं सकता यार। चलो आए हैं तो आप कुछ ना कुछ स्नैक्स भी खाएंगे और थोड़ा मेन कोर्स भी ले लेंगे। सो अविनाश भैया ने मील ऑर्डर कर दिया, देखें क्या क्या ऑर्डर किया हुआ, चलते हैं देखते हैं अंदर। देखते हैं कहाँ पर बैठे हैं अविनाश भैया, कहाँ पर हो? अरे क्या क्या ऑर्डर कर दिया भाई? आ रहा है नॉनवेज, आ रहा है स्टार्टर में। हाँ, और वेज भी आ रहा है। वेज भी आ रहा है। बाइकर्स पॉइंट पे रुकना जरूरी था यार, लेकिन यार क्यों ये क्लबिंग होती है ना यार, बाइकर्स पॉइंट वाली। सो गाइस, चिकन तो ऑर्डर नहीं कर सकते थे, लेकिन हम लोग ने फिश ऑर्डर कर दिए, तंदूरी फिश ऑर्डर कर दी हम लोग ने। खाते हैं और अपनी नॉन वेज थाली भैया खाएंगे, वेज थाली हम खाएंगे, इंजॉय करेंगे और आपको आगे डेस्टिनेशन दिखाते रहेंगे। हम लोग ने स्टॉप लिया था बाइकर्स पॉइंट पे, यहाँ पर हम लोग ने लंच कराया, बहुत अमेजिंग लंच था, बहुत टेस्टी था फूड और यहाँ का स्टाफ मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। चलो निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। चलो चलते हैं, कहाँ चले गए अविनाश भैया, आई थिंक निकल चुके हैं और अपना बाइक राइडर। चलो टनल या ऐसे ब्रिज से अगर आप निकलते हो ना बाइक लेके या कार लेके, एक अलग ही टाइप की फीलिंग आती है यार, और वो भी जब आप सुपर बाइक्स हो तो फिर
प्रोफेशनल वाली फीलिंग आती है। ग्रीनरी दिख रही है ना, तो समझ लो आती हैं आती चली जा रही हैं। ग्रीनरी होती है लेकिन हिमाचल में सबसे ज़्यादा ग्रीनरी है, क्योंकि हिमाचल ना गाइस बहुत खूबसूरत है। अब ये देख रहा हूँ ना, ये ब्रिज है जो, ये जा रहा है मनाली के लिए और ये जा रहा है हमारी डेस्टिनेशन के लिए। सो हियर वी गो। मनाली निकलना है क्या? नहीं यार, मनाली नहीं, अपन चल रहे हैं और भी अच्छी जगह जो कि होने वाली है माउंटेन्स। क्या सारे एडवेंचर आज ही करा दोगे क्या अविनाश भैया? ये जो आपको सामने दिख रहा है ना व्यू, वही है हमारी डेस्टिनेशन। नहीं यार गाइस, यार मजाक कर रहे हैं यार, वो नहीं है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन और भी ज़्यादा खूबसूरत है अपनी डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन आने वाली है गाइस। सोच रहा होगा व्लॉग में डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन कर रहा, बता नहीं रहा है कि जा कहाँ रहा है, लेकिन बता देंगे यार। थोड़ा यार सब्र करो यार, सब्र का फल मीठा होता है। और तैना जब बैक फायर शॉट देती ना, तो वो हमें मोटिवेशन मिल जाता है यार। जब मेरे को मोटिवेशन मिलेगा जब ही, तो इंडिया एक्सप्लोर करेंगे हम लोग, हम सब मिलकर। गाइस वी वेलकम यू इन हिमाचल प्रदेश। सो गाइस, हम लोग की डेस्टिनेशन है 125 किलोमीटर और बची हुई है, सून वी आर कम्प्लीटिंग। अब हो चुका है बहुत ज़्यादा मूड ख़राब, क्योंकि ट्रैफिक में एक अंकल ने अविनाश भैया की गाड़ी में दे दिया बहुत भयानक डैमेज। आप देख सकते हैं नीचे का फुट पैड है ना जो, वो नीचे लटक गया, अब हो गए ब्रेक फेल भैया की गाड़ी के बैग वाले। देखते हैं अब मैकेनिक कोई ना कोई इंतज़ाम तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कावासाकी का ना ही शोरूम है ना ही सर्विस सेंटर है। अब देखते हैं किसी ना किसी मैकेनिक से तो करवाना पड़ेगा। और हम लोग को अभी 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है अपनी डेस्टिनेशन तक। बट सून देखते हैं, इंशाल्लाह एक मैकेनिक की शॉप मिली है, देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, ये शॉप है कि जहाँ पर अविनाश भैया की गाड़ी में कराएंगे हम लोग काम। और गाड़ी में ये इम्पेक्ट हुआ, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आप ये चीज़ देख रहे हो ना, ये चीज गाड़ी की बिल्कुल से चली गई है, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। क्यों भैया, क्या कर रहे हो उसमें? उसमें जुगाड़ करने लगे हैं। कैसे, क्या करोगे? क्या करोगे इसमें बताता हूँ आप। करेंगे आप? अच्छा, ये लगा के कैसे लगाओगे आप इसमें? नट लगाएंगे। नट लगाओगे? इधर कावासाकी का शोरूम तो होगा नहीं हिमाचल में? के टी एम का भी नहीं है यार। फिर लोग कैसे मैनेज करते होंगे अपनी बाइक से यहाँ पर? हो जाएगा ना काम, हम आगे की तरफ अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे ना। चलिए ठीक है। तो गाइस, अविनाश भैया की गाड़ी में होने लगा है काम। अब देखते हैं होपफुली कि गाड़ी का काम सक्सेसफुल हो, हम लोग आगे की तरफ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ अचीव कर पाएँ डेस्टिनेशन। और आज ही नहीं तो अदरवाइज हम लोग को यहीं पर स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी में नहीं आ रहे ब्रेक अविनाश भैया की। कुछ भाई लोग मिले हुए हैं, कुछ बाइक के बारे में बताना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हो भैया? भाई इसका जो लिमिटर हिट करता है ना भाई, फुल थ्रॉटल पर। अच्छा, अल्टीमेट ही लगता है। अच्छा, बिल्कुल ही बढ़िया, बहुत ज्यादा। अपनी बाइक की होती हुई तारीफ और यहाँ पर रेहान खान खुश होते हुए। हम कहना चाहते हैं कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, लाइक करो। क्या बात है यार भाई, अब तो तुमने दिल जीत लिया यार, तुम्हारी फोटो मैं क्लिक करूंगा। लड़कों की डिमांड आ रही है, क्या करना है? डीवी किलर निकाल दो इसका। क्यों निकालना है यार, ऐसे अच्छी नहीं लग रहा। बता पैसे दोगे चालान के? लड़कों की डिमांड है कि भैया टीवी कलर निकाल दो। नहीं, हम लोग इलीगल नहीं जाएंगे, इलीगल ही जाएंगे। अभी अविनाश भैया की गाड़ी हम लोग सही करा रहे थे, उसके बगल में एक चाय की शॉप थी, भैया लोग जिद करने लगे भैया की चाय पी के जाना हमारे पास। बहुत खुश हुए हम लोग से मिलके। चलो चलते हैं उनके शॉप पे, देखते हैं क्या कहते हैं वो। अच्छा, क्या कहना चाहते हो? भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट करो गाइस। अब तो भाई को जल्दी जल्दी फेमस कर दो। अच्छा, क्या बात है यार गाइस, अब तो देखो चैनल को लाइक करना पड़ेगा यार। अब देखो भाई लोगों ने कह दिया है ना, अब तो बनता है यार, एक लाइक तो बनता है ना। क्यों? बिल्कुल, एक भी बनता है हमारी आपकी तरफ से, एक बनता है और वीडियो वायरल होगी तो उस पे तो सारे बनते हैं ना। जितने व्यूज जाएंगे उतने लाइक आना चाहिए यार। ऐसे नहीं करना सिर्फ वीडियो देख के चले जाना। और लेकिन यार बहुत अच्छा लगा यार तुम लोग से मिलके भी यार। हमें ऐसा नहीं है कि यार तुम्हें हमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन हमें भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा नहीं चल रहा तुम लोग का यार। रहने दो रहने दो भाई, क्यों नहीं ले रहा यार पैसे यार? भाई दे दो यार भाई, स्कैनर भी नहीं दिखा रही। अबे यार गाइस, मेरे पास स्कैनर नहीं दिखा रहे मेरे को यार ये लोग यार। नहीं, भाई ले लो यार, तो क्या हो गया पैसे यार? यार पैसे नहीं ले रहा यार, ऐसे कैसे चलेगा भाई? तुम भी तो शॉप ओपन करके बैठे यार। नहीं, भाई हद होगी, सुबह से लाओ हमें स्कैनर। तो
अबे यार गाइस यार अब क्या कर सकते हैं यार, ये लोग अब देने ही नहीं दे रहे हो। मेरे पास सीरियसली यार कैश नहीं है, नहीं तो मैं दे देता इन लोग को कैश यार। आज भैया की गाड़ी में इम्पैक्ट आया था, वो होपफुली सही हो गया है, बट सही हुआ लेकिन सेटिंग से हुआ, लेकिन अब दिल्ली रिटर्न जाके गाड़ी का पार्ट चेंज कराएंगे भैया की गाड़ी का। तो भाई जो इम्पैक्ट हुआ था अविनाश भैया की गाड़ी में वो होपफुली सही हो गया है। हम लोग को आइडिया नहीं था कि यहाँ पर भी सही हो जाएगा। भैया ने उसमें एक सेटिंग कर दी, उसमें पट्टी लगा दी है उसमें कि उसको, लेकिन अब होल्ड कर दिया, उसमें ब्रेक आने लगे। अभी इससे पहले ब्रेक नहीं आ रहे थे, ब्रेक फेल हो गए थे। हम लोग को टेंशन हो गई थी कि अब हम लोग को यहीं उन्ना में स्टे करना पड़ेगा, फिर कावासाकी से पार्ट आता फिर हम लोग निकलते, क्योंकि बिना ब्रेक की गाड़ी तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं चलाते, क्योंकि अब 1000 cc की बाइक है कि उसको कंट्रोल करना फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं यार। नॉर्मल तो स्पीडिंग जब मैं चलती नहीं है वो। चलो चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। आप सब देख सकते हैं कि टेनार की राइड है, ये टेनार की राइड है, बिल्कुल इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। चलो चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। गाइस फाइनली हम लोग माउंटेन्स पे चढ़ रहे हैं और रात का समय है, बिल्कुल टर्न का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि, क्योंकि टर्न बहुत छोटे छोटे से हैं और रोड्स भी इतनी बड़ी नहीं है और सिंगल लाइन रोड है, गाड़ियाँ आ भी रही हैं और जा भी रही हैं इस पर, तो बहुत ध्यान से गाड़ी चलाना पड़ी। और मेरी गाड़ी में लाइटिंग का इशू, जब भी मैं अविनाश भैया को बोल रहा हूँ कि आप आगे चलो मैं आपको फॉलो करूँगा, यही सारी चीज़ें होती हैं यार। गाइस पता क्या, हम लोग का टाइमिंग, आज का टाइमिंग इतना ख़राब हुआ है ना। एक तो अविनाश भैया की गाड़ी में ऐसा इंसिडेंट हो गया था, वो अंकल के ऊपर इतना गुस्सा आया ना कि खड़ी गाड़ी में यार, खड़ी गाड़ी में सिर्फ ट्रैफिक में उनने एकदम से आगे बढ़ा दिया। अब क्या ही बोले उनसे बताओ, थोड़े एजेड से भी तो किसी से क्या ही बोले। जब हो चुका तो फिर वो तो ये कहो कि एक मैकेनिक अंकल की शॉप मिल गई थी हम लोग को, उनने बहुत हेल्प करी, वो बेचारे ड्रिल मशीन अरेंजमेंट करी, उनने उनके पास ड्रिल मशीन नहीं थी वो अरेंजमेंट करके उनने पेच और एक पत्ती से लोहे की पूरा ब्रेक ऊपर चढ़ा दिया होल्ड करके, कि मतलब इसीलिए हम लोग मैक्लोडगंज पहुँच के अब आपको हम बता ही दे रहे हैं कि हम लोग मैक्लोडगंज जा रहे हैं, और बस आ ही गए मैक्लोडगंज में ही है बस। फाइनली हम लोग को XP95 पेट्रोल मिल चुका है। हम लोग ने सोचा नहीं था कि हिमाचल प्रदेश में और वो भी माउंटेन्स पे XP95 प्रीमियम पेट्रोल, हाई ऑक्टेन पेट्रोल अवेलेबल होगा, लेकिन अविनाश भैया तो बोल रहे थे कि नहीं होगा, ऑक्टेन बूस्टर लाना पड़ेगा, और मैं ऑक्टेन बूस्टर नहीं अपने साथ कैरी कर रहा था, वो तो अविनाश भैया एक बार कैरी किए थे तो एक बार के लिए मेरा चल गया था काम। लेकिन अब अपन टेंशन फ्री हैं और अपन अब मैक्लोडगंज पूरा घूम लेंगे यार, अब इतना काम हो गया अपना। चलो चलते हैं होटल की तरफ भाई, डलाओ पेट्रोल डलाओ, टेंशन नहीं लो भाई। गाइस फाइनली हम लोग धर्मशाला आ चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ जो कि है मैक्लोडगंज में। अभी हम लोग ने कांगरा क्रॉस करा है 5 किलोमीटर पहले, वहाँ से आपने शायद अगर नोटिस करा हो तो बगल से रिवर जा रही थी, वो कांगरा ही था। रात में शायद से ना दिख रही हो रिवर, लेकिन 5 किलोमीटर पहले हम लोग ने अभी उसको क्रॉस किया है कांगरा को। अब हम लोग मैक्लोडगंज की तरफ जा रहे हैं। गाइस वी आर इन मैक्लोडगंज और हमारा होटल यहाँ के सिर्फ 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, वो भी कवर अप करते हैं। और हम लोग ने अभी तक 948.6 किलोमीटर कवर अप कर चुके हैं झांसी से। गाइस ये राइड ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हुई है यार, सीरियसली यार, कार से ज़्यादा मज़ा मेरे को बाइक पे आया, कार से ज़्यादा मज़ा सच में। फाइनली आ चुके हैं हम अपने होटल, और हमारा होटल नीचे है, हम लोग डेस्टिनेशन पे खड़े थे, नेविगेशन हमें यही बता रहा था, बट हमारा होटल नीचे की तरफ है। थोड़ा सा एडवेंचर है बाइक को नीचे ले जाना, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है और स्लीपर टायर देंगे। स्लोली स्लोली स्लोली, ओ भाई चलो आ चुका है अपने होटल। इसको पार्क कहाँ करेंगे यार गाड़ी, यार अपने पार्किंग का तो बहुत इशू है यार। इस पार्किंग का हो गया है इशू, होटल में पार्किंग नहीं है। होटल वालों ने कहा थोड़ा सा एडवेंचर करो, आप देख रहे होगे ट्रैकिंग बेस बाइक को मैंने, रिहान खान ने इसको बना दिया फुल एडवेंचर बाइक। सही निकल रही है, देखना देखो टायर, देखो आगे का टायर से निकल रहा है ना, निकल रहा है। अरे अविनाश भैया और कोई होटल नहीं मिला, ओ बाप रे
पूरे सोकर मेरे पूरे सोकर आगे की तरफ आ गए।